हमें यहाँ पर ट्रैक का गिवन है कि ट्रैक ये वाला कर्व फॉलो करते हैं, जहाँ पे एक्स यहाँ से यहाँ तक है और वाई यहाँ से यहाँ तक है। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन ऑन वन वन और ऑन टू है या नहीं। ओके तो पहले एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो हम इसे वाई की टर्म में लिख सकते हैं इस फंक्शन को। तो एक्स इज इक्वल टू 4 वाई है, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो वाई ये मिल जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि वन वन चेक करने के लिए हम एफ एक्स वन को एफ एक्स टू से इक्वेट करते हैं, और अगर एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ जाए तो फंक्शन हो जाता है वन वन। तो एफ एक्स वन हमें मिल गया, एफ एक्स हमें मिल गया वाई के इक्वल। ऐसे एफ एक्स वन और एक्स टू निकाल लेते हैं। एफ एक्स वन निकालने के लिए एक्स की जगह पे एक्स वन पुट करेंगे, और एफ एक्स टू निकालने के लिए एफ एक्स में एक्स जगह पे एक्स टू पुट करेंगे। फिर ये चेक करते हैं, तो एफ एक्स वन ये हो जाएगा, एफ एक्स टू ये हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये कैंसिल, ये मिलेगा। तो हमें मिल जाएगा एक्स वन या तो एक्स टू के इक्वल है या एक्स वन माइनस एक्स टू के इक्वल है। अब हमारी जो एक्स की डोमेन थी वो तो ये थी, तो एक्स वन नेगेटिव तो हो सकता बिकॉज सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल है, तो फंक्शन वन वन तो है। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हम पहले एक्स को वाई के टर्म में लिखेंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वाई गिवन था यहाँ से यहाँ तक और एक्स की डोमेन ये गिवन थी। अब हम चेक करेंगे कि वाई को हम इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू इनमें से ही आनी चाहिए। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लेके चेक कर लो, तो 0 तो 0 ही आएगा, एक्स यहाँ तक है। और 200 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 20√2, जो सेटिस्फाई कर रहा है एक्स की डोमेन को। तो ऑन टू भी है ये, तो फंक्शन हमारा वन वन ऑन टू दोनों है।